देखिए, एलिगेशंस लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, फैक्ट्स पेश करने के लिए आए हैं। फैक्ट नंबर वन ये है कि मेरी मुलाकात आदिल भाई से सबसे पहले अम्बोली पुलिस चौकी में हुई थी। वहाँ पर मैं गई थी मिस मोटर माउथ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने, और ये पहुँचे वहाँ पर अपनी बीवी के साथ, और इन्होंने मेरे पास आकर मुझसे विनती करी, कहा शैलिन मेरी बहन प्लीज़ माफ़ कर दे उसको, अपना केस वापस ले ले। मैंने कहा क्यों भाई, प्लीज़ वो सर फिरी है, वो पागल है, उसको आप प्लीज़ माफ़ कर दो। ये इनके शब्द थे। कहने का मतलब ये है कि इनका कसूर ये है कि इन्होंने एक पागल बददिमाग सर फिरी लड़की से बे इंतहा मोहब्बत करी, ये इनका कसूर है। अगर ऐसा नहीं करते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। इस तरह अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनाया, कोर्ट मैरिज करी, अब बताओ। और राखी को बोलना मीडिया के ऊपर बहुत आसान है कि मीडिया तुम्हारी साइड है, बिकॉज वो चाहती है कि मीडिया में एलिगेशंस हो जाए, वो मुझे ना कवर करे, दुनिया को मेरी सच ना पता चले। यह उसका नॉर्मल है, नॉर्मल। वो तो शर्लिन और मुझे भी लड़वा देगी। मुझे कहा गया था शर्लिन ठीक नहीं है, उसे ज़्यादा बात मत करो, तुमने क्या किया, नंबर दे दिया क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बहन करके बात किया था। जैसे उनको फ्रॉम द पुलिस स्टेशन उन्होंने छोड़ा था, देन शी सैट विद मी, बोला नंबर ले लिया, अभी शर्लिन से मिलोगे, शर्लिन के साथ तुम घूमने जाओगे। मैंने कहा काकी तुम क्या बोल रही हो, तुम उनसे फ़ोन करके पूछो, मैं नहीं बात करूँगी, वो ये है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। जो उनके शब्द है मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला को जलील करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, उस महिला को बाजारू बोलना। और ये उस लड़की ने कई बार किया है मेरे साथ। उसने कहा कि मैं किसी वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई थी, और ये भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस ने मुझको रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने क्या कहा? अलीबाग पुलिस ने मुझे रंगे हाथ पकड़ा था, ऐसा उसका कहना था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस को संपर्क किया, पता लगाया, और अलीबाग पुलिस ने अम्बोली पुलिस को ये बताया कि आज तक उनके पास ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं हुई जिसमें मेरा नाम, शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी दर्ज हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना आसान होता है ये कहना, फलाना बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना है, फलाना रईस है, फलाना ड्राइवर है। नहीं, ये बात मुझे बहुत खटकी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। बहुत बहुत आसान है राखी को किसी को ब्लेम करना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, उसके पास चने ले लेना, उसके बाद बता देना कि ये तो भिखारी था, ये तो ड्राइवर था, ये तो वो था, ये तो ये था। कल की बात कर रहा हूँ मैं, जो राखी बोल रही थी कि रितेश बहुत अच्छे इंसान है, रितेश बहुत पैसे वाले हैं, रितेश मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बोला था ना? जी बिल्कुल। एक सवाल है भाई, अगर उसकी इन बातों में सच्चाई है कि रितेश एक नंबर का हीरा है, रितेश ने उनके खर्चे उठाए, उनका घर चलाया, उनकी स्वर्गीय माँ के कई सारे सर्जरीज कराए, और उनसे बे इंतहा मोहब्बत करता है रितेश, अगर इन बातों में सच्चाई है तो उनकी धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई को मजबूर क्यों किया उनसे शादी करने के लिए? ये अजीब बात है, शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी करना, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? तो क्या शादी उनके लिए मजाक बनकर रह गया? हाँ, ना जज्बातों की कदर करती है, ना शादी की कदर करती है, बस
चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इससे क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान ये नहीं कहता चिल्ला चिल्ला कर कि वो मुसलमान है, उसकी हरकतों से पता चलता है, उसकी इबादत से पता चलता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है वो। शैलिन, मुझे लोग तो ये भी बोल रहे हैं, कल तो मुझे मैसेजेस आए, ये बोल रहे हैं कि रितेश और राखी ने मिलकर तुम्हें ट्रैप किया है, ये उनका प्लान था कि आदिल को जाओ, आदिल को पसंद करो, आदिल को लूटो, आदिल से पैसे ले लो, फिर ये हम करते ही रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा हूँ अभी कि मुझे यूके का एविडेंस मिला है। ये लोग मुझे ये लिख के बोल रहे हैं, वो बहुत बार मिले हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नंबर वन बेवकूफ़ हो। जब जब तुम कर्नाटक जाते थे तब तब रितेश से वो मिलती थी। ये बात में कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता है, बट मुझे बोल रहे हैं कि तुम रितेश ने भी मिल के तुम्हें फ्रेम किया है। लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि कहीं भी वीजा स्टंप नहीं हुआ है। कहां का दिखाया था? वीडियो कॉल कराया रितेश से, वीडियो कॉल पे। कहां का वीजा स्टंप था? लंदन का। कि उस टाइम में वो ग्रीस थे और दूसरी जगह पे थे, जैसा कि आपने कहा डिनाई किया आपके पूरे। और हां, और वीडियो कॉल। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, ये सरासर झूठ है कि वो लंदन नहीं आए थे। लंदन से और ग्रीस का फासला सिर्फ 38 आवर्स का है बाई कार। क्या 38 आवर्स ट्रैवल करके आप नहीं आ सकते? ये बात आप मुझे बताइए। जब मेरी सो कॉल्ड बीवी 10 दिन तक यूके में रही है, 8 से 10 दिन तक, तो 38 आवर्स का ही सफ़र है। जो रही बात वीज़े की, अगर बिजनेस वीज़े में ऑलरेडी एक बंदा ग्रीस में है तो उसे वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके कभी भी आ सकता है 38 आवर्स। ये गूगल कहता है, प्लीज़ आप गूगल कर लीजिए। डू नॉट बिलीव एनीबडी। जो भी हम बात करते हैं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ गूगल करके भी देख लेना, आपके सोर्सेज हैं, आप प्लीज़ गूगल कर लें। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीस टू यूके दैट इज़ 38 आवर्स। उसके नीचे ये भी लिखा है, इफ़ यू आर हैविंग अ बिजनेस वीज़ा इन ग्रीस, यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वीज़ा, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम यू वॉन्ट। और हर 2 घंटे फ्लाइट है यूके से ग्रीस और ग्रीस से यूके। आप मुझे बताइए, आप वीज़ा दिखा के क्या कर रहे हो? वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या? हाँ, मैं 100% गया था। एटलीस्ट झूठ ठीक से बोल देते कि मैं इंडिया में था, मैं नहीं गया था, एटलीस्ट मुझे प्रूव करने में टाइम लगता। वो तो विटनेस दे रहे हैं, मैं था भाई। अहम, देखिए, अहम सवाल, एक सेकेंड, अहम सवाल ये है कि रितेश की धर्म पत्नी होते हुए उन्होंने आदिल भाई से शादी कैसे करी, क्यों करी? ये अहम सवाल बनता है। क्या हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक शादीशुदा महिला शादीशुदा होते हुए एक और पुरुष से शादी कर ले? लेकिन वो